वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम विद उस्मा। और कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ वो है स्पेशल रक्षाबंधन मेकअप लुक। और आज का मेकअप जो करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही सटल होगा। एंड जो स्टेप आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ ये मेकअप लुक में बहुत ही इजी रहेगा, आपको क्रिएट करने में बहुत ही इजी होगा। प्लस स्किन केयर के साथ आज मेकअप स्टार्ट करूंगी, सो आप फुल वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मेकअप स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में आप न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड इसी तरह मैं आपके साथ न्यू मेकअप लुक आपके साथ शेयर करती रहूंगी और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, देन ओनली आपको न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। एंड मेकअप में सबसे पहले हम लोग स्किन केयर करेंगे। एंड स्किन केयर में सबसे पहले हम लोग को यूज करना होता है सीरम। एंड सीरम यूज करने वाली हूँ, ये है गुड वाइब्स का सीरम है। ये बहुत ही अच्छा रोजी सीरम है, आपको अगर मेकअप कर रहे हैं एंड ग्लोई एंड ड्यूई लगना है तो ये सीरम आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे आपको स्किन को रेडियंट बनाएगा, ग्लोई बनाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे दो ड्रॉप लेंगे। अच्छा से हैंड पे हम लोग इसको वार्म करेंगे, देन इसको डैब डैब मोशन में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा स्किन में अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड स्किन नेचुरली ग्लोई लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिफ्रेश फील कराएगा। अब अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। एंड ये पोन्स का मॉइस्चराइजर मैं यूज करने वाली हूँ, सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा है मॉइस्चराइजर। एंड हाई रेंज में भी मॉइस्चराइजर अच्छा अच्छा मिलता है, आप वो भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है, अगर आपको ये बाय करना है तो जरूर इसको बाय कर सकते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है तो ये मैं बहुत ही ज्यादा इसको अप्लाई करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा रिफ्रेश करता है, बहुत ही अच्छा मेरा स्किन को हाइड्रेट भी करता है। एंड ये मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, नॉन स्टिकी है, आपको स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। एंड ऑयली स्किन के लिए ये तो बेस्ट है, आप जरूर इसको बाय कीजिए। अब यूज करेंगे प्राइमर। एंड ये इनसाइड का प्राइमर यूज करने वाली हूँ, ये पोर मिनिमाइज प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। एंड इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा, जहां जहां आपको यूज करना है वहां पे इसको यूज कीजिएगा। एंड ये प्राइमर जो है बहुत ही लाइट वेट में है एंड ये फोकस करता है जहां पे इसको ब्लर करना है, तो ये बहुत ही अच्छा है ये प्राइमर। तो प्राइमर हम लोग भी अप्लाई कर लिए हैं, अब हम लोग अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। एंड ये फाउंडेशन जो यूज करने वाली हूँ आज, इनसाइड का अल्ट्रा थिन सेकेंड स्किन फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। एंड ये अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सेकेंड स्किन लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है। एंड अगर आपको ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है तो आप ये जरूर बाय कर सकते हैं। मैंने इसको इतना बार यूज किया है कि ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एंड ये मेरा शेड नंबर होगा 03 सन बेस में है। एंड आपका शेड नंबर के हिसाब से ही लीजिएगा, स्किन टोन के हिसाब से। तो ये डैब डैब मोशन में मैं इसको पूरे फेस में लगा लेती हूँ फाउंडेशन। इससे क्या होगा कि मेरा फाउंडेशन जो होगा वो बहुत अच्छा से ब्लेंड हो जाएगा, इसलिए मैं ये स्टेप फॉलो करती हूँ। अब ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। एंड मेरा ब्यूटी ब्लेंडर इसमें है, क्या आप ये स्टेप फॉलो करते हैं मेकअप को ब्लेंड करने के समय, जरूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा मेरे साथ। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए उसका जो ब्लेंडर जो रहता है उसको हम लोग को पहले इस स्टेप से ये स्टेप को फॉलो करना चाहिए, देन ब्लेंड करना चाहिए, देन ओनली आपको ये फाउंडेशन जो रहता है वो ब्लेंड होगा अच्छा से। सो आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। समर के लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। एंड ये रक्षाबंधन मेकअप लुक था तो मुझे था ये कि ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करना है क्योंकि समर है एंड डे टाइम होगा तो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ होना चाहिए मेकअप एंड ज़्यादा हेवी भी नहीं होना चाहिए। मैंने ये फाउंडेशन को चूज़ किया है कि हाँ इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड कितने इजीली ये ब्लेंड हो गया। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हम लोग को कंसीलर यूज करना चाहिए। एंड ये मिस क्लेयर का कंसीलर है, ये मतलब ये अभी भी मेरा ये करंट फेवरेट है, ये कंसीलर बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। तो इसको हम लोग अंडर आईज के नीचे अप्लाई कर लेंगे। ज्यादा इसको अप्लाई नहीं करना है,
और इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये ब्लेंड होने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा आपको। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा एंड ये फुल फेस में ब्लेंड नहीं करना है, जो एरिया में आपको अप्लाई किए उसी एरिया को ब्लेंड करना है। एंड आप फेस को कंट्रोल भी कर लेते हैं। सो कंट्रोल के लिए पैलेट यूज करने वाली हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का कंट्रोल पैलेट। आपको इसमें बनाना पाउडर एंड कंट्रोल पाउडर दोनों ही मिल जाएगा साथ में ही। बहुत ही बेस्ट है ये इसमें कि आपको दोनों अलग अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, दोनों साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फेस को हल्का हल्का सा शेप देने के लिए कंट्रोल कर लेंगे। हल्का हल्का नोज भी कंट्रोल कर लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे आई मेकअप करना। एंड आई मेकअप बहुत ही इजी होगा, बहुत ही इजी स्टेप्स में आज आई मेकअप करने वाली हूँ। एंड आई मेकअप के लिए जो पैलेट यूज करने वाली हूँ ये है मेकअप रिवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है। आपको इसमें मैट, सिमर एंड बहुत सारा कलर मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छा है, बहुत अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं आई मेकअप। सो ये लेंगे पीची न्यूट कलर है ये, एंड ये पूरा आई लिड को हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। इस तरह हम लोग पूरा आईलिड को ही ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये दोनों कलर को मिक्स करेंगे एंड इनर कॉर्नर में अप्लाई करेंगे। तो ब्लेंडिंग के बाद कुछ इस टाइप का रहेगा ये। अब जस्ट हम लोग यहाँ पे ये शिमर अप्लाई करेंगे। अगेन हम लोग ये ब्लेंडिंग से ही इसको अच्छे से हम लोग मर्ज करेंगे, ऐसा ना लगे कि अलग अलग है। एंड आईलाइनर हम लोग यूज करेंगे, ये स्विस ब्यूटी का ब्रो एंड जेल आईलाइनर। इसमें आपको आईब्रो फिल करने के लिए भी मिल जाएगा एंड जेल आईलाइनर भी मिल जाएगा। तो आज मैं जेल आईलाइनर यूज करूंगी। तो आप किस किस को ये जेल आईलाइनर पसंद है जरूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इजी वो अप्लाई भी हो जाता है एंड बहुत ही सुंदर लगता है इस पे। सो यहाँ पे हम लोग आईलाइनर भी अप्लाई कर लिए हैं। सो अब सेम स्विस ब्यूटी के हेल्प से ही आईब्रो को भी फिल कर लेंगे, पर फिल करने से पहले हम लोग पुली के हेल्प से इसको अच्छे से हम लोग मिला लेंगे एंड इसको ऊपर हम लोग करेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम लोग इसको फिल करेंगे। यहाँ से एक डायरेक्शन मिल जाएगा इसको। अगेन पुली लेंगे हम लोग, फिर सारा हेयर को नीचे करेंगे। अगर आपको आईब्रो फिल करने नहीं आता तो ये टेक्निक को जरूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको ये फिल करने में। एंड जो हल्का हल्का प्रोडक्ट रह जाएगा तब हम लोग आगे में इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे फिल करेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे पुली के हेल्प से इसको अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड करेंगे। तो सेम टेक्निक हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। सो अब यूज करेंगे ये काजल, लोरियल पेरिस का काजल है ये, स्मज प्रूफ काजल है एंड ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग ये रहता है काजल। तो इसको अप्लाई करेंगे एंड समर के लिए ये काजल बहुत ही अच्छा है। एंड काजल भी अप्लाई हो गया एंड लोअर आईलेसेस को भी ब्लेंड कर लेते हैं। एंड आज कोई भी फॉल्स आईलेसेस को अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही नेचुरली मेरा आईलेसेस आज रहेगा। सो सेम कलर से ही हम लोग लोअर आईलेसेस को ब्लेंड करेंगे। अगर आई मेकअप किए हैं तो देन लोअर आईलेसेस को भी ब्लेंड कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब अंडर आईज को सेट कर लेते हैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। एंड जो यूज करने वाली हूँ ये है सेम वेट एंड वाइल्ड का कंट्रोल पैलेट से यूज करने वाली हूँ ये बनाना पाउडर। बट अगर अंडर आईज को सेट करना है तो उससे पहले आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करना पड़ेगा कि अंडर आईज पे ऐसे
हम लोग यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा कोई क्रीज लाइन नहीं रहेगा। ये तो अक्सर क्या होता है कि हो जाता है जब भी हम लोग पाउडर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एंड यहाँ पे एक लाइन क्रीज लाइन जो होता है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा मेकअप जो है तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो वो चीज़ ना हो बल्कि ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये बनाना पाउडर अब हम लोग अप्लाई करेंगे। लूज़ पाउडर यूज़ करने से क्या होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी आ जाता है, तो ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे, कोई भी ब्रश के हेल्प से इसको रिमूव कर लीजिएगा, बहुत ही इजीली ये रिमूव हो जाता है ब्रश से। अब अप्लाई करेंगे मस्कारा, एंड ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, ये वॉल्यूम मस्कारा है। आपको ये अप्लाई करने के बाद बहुत ही अच्छा आईलेसेस को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देगा, तो ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है। एंड इसका प्राइस जस्ट आपको ये 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, उससे भी कम में मिल जाएगा ये ऑफर में अगर आप बाय करेंगे तो। एंड लोअर आईलेसेस को जब भी हम लोग कर्ल करते हैं तो क्या होता है कि नीचे लग जाता है, तो बहुत ही डर रहता है। तो आज एक हैक को आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब भी आपको लोअर आईलेसेस को अगर मस्कारा लगाना है तो इस तरह हम लोग यहाँ पर इस तरह रखेंगे। लगा भी नहीं एंड ये इजिली अप्लाई भी हो गया, कोई डर भी नहीं लगा। तो ये ज़रूर आप फॉलो कीजिए ये हैक को, बहुत ही अच्छा हैक है ये। एंड जो भी एक्सेस जो रहेगा वो इसमें लग जाएगा, तो ये है ना बहुत ही अमेजिंग हैक। तो ब्लश के लिए यूज़ करूँ, ये फिटमी का ब्लश है, ये इन द सेट है, ये 50 सेट नंबर है ये मेरा। ना अच्छा इसका सेट कलर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। एंड ये बिल्कुल भी चंकी भी नहीं है कि थोड़ा ये लगाने के बाद चमकने लगे, मैट में है एंड आपको इतना अच्छा इफेक्ट देता है ये ब्लश। मैबलिन का बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है, आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर अमेजिंग है, वो बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, फुल कवरेज देता है इनफैक्ट। तो आप वो कंसीलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा कंसीलर जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट वो मेरा फेवरेट कंसीलर है मैबलिन का। हम लोग अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, एंड हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये है सुगा कॉस्मेटिक का मिनी हाइलाइटर, ये इन द सेट है 02 गोल्ड ग्लोरी में है ये। एंड सुगा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट अमेजिंग, बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है। ये हाइलाइटर को अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर, इसका पिगमेंट भी बहुत ही अच्छा आता है। एंड आप देख सकते हैं यहीं से साइन स्टार्ट हो गया है। तो ये हाइलाइटर को भी हम लोग अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, एंड ये बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स टाइप का हाइलाइटर नहीं है, एकदम सटल टाइप का एक हाइलाइटर है ये। एंड जितना आपको हाइलाइटर यूज करना है उतना अप्लाई कर सकते हैं आप, एंड ये मेकअप फिक्सर के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको अप्लाई करना है वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, ये मेबलिन का लिपस्टिक है, इन द सेड है मेरा 673 में है ये। एंड इसका कलर वाओ बहुत ही अच्छा है ये, एवरीडे यूज़ करने के लिए ये लिपस्टिक का कलर जो बहुत ही बेस्ट है। एंड अभी क्या है ट्रेंडिंग में है न्यूट कलर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गया है, बट लिपस्टिक लगाने के बाद इस टाइप का हो जाता है, तो थोड़ा डर रहता है कि मेरा लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आज एक और हैक को आज अप्लाई करने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग हैक है। एंड आपको अगर मैट करना है लिपस्टिक को तो ये हैक को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी इस टाइप का टिश्यू लीजिए, लूज पाउडर लीजिए, एंड यहाँ पे इस तरह रखिए, लूज पाउडर लेके अब आपका लिपस्टिक जो है वो मैट हो गया, एंड जितने भी एक्सेस तो जो था वो इसमें लग गया है, एंड आपको बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो लग जाएगा एंड खराब हो जाएगा। सी
बहुत ही अमेजिंग हैक है ये, जरूर अप्लाई कीजिए। अगर डेली बेसिस में ये जरूर हैक को मैं ट्राई करती हूँ, बहुत ही इजी होता है ये ट्राई करना एंड आपको बहुत ही यूजफुल होगा ये हैक को अप्लाई करना। लोग मेकअप को फिक्स करेंगे एंड मेकअप फिक्सर के लिए एज यूजुअल ये कलर बार का मेकअप मिस्ट है ये, इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, जिससे हमारा मेकअप जो होगा वो सेट हो जाएगा। वाओ, एकदम सिंपल है, एकदम सटल है मेकअप, बिल्कुल भी हैवी नहीं है एंड समर के लिए ये मेकअप लुक जो है वो परफेक्ट है। सो गाइज, ये मेरा फाइनल मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं की हूँ मैं ये समर के लिए एंड ये समर के लिए ये मेकअप लुक जो है वो परफेक्ट है ये मेकअप। एंड आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक? बिल्कुल भी यहाँ पे हैवी नहीं लग रहा है एंड आपको यहाँ पे देख सकते कि ये रक्षाबंधन के लिए मेकअप लुक जो है वो परफेक्ट लग रहा है कि मेकअप नो मेकअप लग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेकअप। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो ये फुल वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए एंड अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, देन ओनली आपको न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी इसमें पैसा नहीं लगता है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आई होप आपको ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा होगा एंड सारा प्रोडक्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, खुदा आपको सलामत रखे और मुझे दुआ में याद रखेगा।